हाय, मैं हूँ सैफ अली खान. हाय, मैं हूँ जैकलीन फर्नांडिस. हाय, मैं हूँ जॉनी अब्राहम. हाय, मैं हूँ दीपिका पादुकोण. हाय, रिजान कपूर. हाय, मैं हूँ मीशा पटेल. टू वॉच एक्सक्लूसिव वीडियोस ऑफ रे, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अबव दिस वीडियो. अबाउट द वीडियो. अबव दिस वीडियो. सो हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हो इस वक्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वा चैनल और मैं हूँ फैसल यासीन. तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. तो व्यूअर्स, आपको तो पता ही है, मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल 14 जून को सिनेमाज में रिलीज़ की गई है. जबकि अगर बात कर लिया इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 786 करोड़ का है. जबकि अगर बात कर लिया इस मूवी के कलेक्शन की, तो इंडिया के अंदर इस मूवी ने फर्स्ट डे में 3 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि सेकेंड डे में 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि थर्ड डे में 5 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिर अगर बात कर लिया इस मूवी के चौथे दिन की कलेक्शन की, तो इंडिया में इस मूवी ने चौथे दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया है. तो इसी तरह से इस मूवी का टोटल 4 दिनों का कलेक्शन लगभग 20 मिलियन डॉलर्स का हो चुका है वर्ल्ड वाइड के तौर पे. तो फिर अगर बात कर ली जाए इस मूवी के बाद एक्स मैन डार्क फोनिक्स की, तो ये मूवी का बजट लगभग 200 मिलियन डॉलर्स का था. जबकि ये मूवी ईद पर रिलीज़ की गई थी, यानी कि ईद पर पूरी दुनिया में रिलीज़ की गई थी. फिर अगर बात कर लीजिए इस मूवी के कलेक्शन की, तो 205 मिलियन डॉलर्स का इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया, जिसको देखते हुए मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही है. और जबकि अगर बात कर लीजिए इसकी प्रीवियस मूवी की, तो इसकी प्रीवियस मूवी जो कि एक्स मैन एकोप्लेक्स थी, उस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था. लेकिन इस बस नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो. कहानी खत्म. देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब.